हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, जो 100+ स्टूडेंट्स जिनको एयरपोर्ट से एंट्री डिनाइड हो चुकी है, कुछ अमृतसर एयरपोर्ट, कुछ न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से वापस आए हैं स्टूडेंट्स। और ये बहुत ही दुखदायी घटना है, क्योंकि स्टूडेंट्स का मोस्टली जो एंट्री है वो डिनाइल कर दी गई है, और उनका वो जो वीज़ा स्टेटस है इनएक्टिव बताया जा रहा है। उसका मेजरली जो रीज़न है वो है मेडिकल, क्योंकि उनका मेडिकल अपडेट नहीं हुआ। मेडिकल की जो वैलिडिटी है 1 ईयर की रहती है, जिस डेट से वो इशू हुआ है, और 1 डेट अगर 1 ईयर से अबव हो चुकी है तो वो मेडिकल द्वारा अपडेट करवाना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं ये कहता हूँ कि वो अपनी मेडिकल चेक कर लें जब भी उन्होंने ट्रैवल करना है। उससे पहले 2-3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। एक तो मेडिकल अगर उनका अपडेट नहीं है, मेडिकल को 1 साल हो गया, एक्सपायर हो गया है, तो दोबारा से मेडिकल कराएं, और वो मेडिकल अपडेट होने में 1 वीक से 10 डेज के बीच में लगते हैं। और जब वो जिसी उनके की के ऊपर पोर्टल के ऊपर शो होने लगे, तब वो माने कि हाँ जी, जिसी की के ऊपर अगर मेडिकल अपडेट हो चुका है उसके बाद ही वो ट्रेवल करे। नहीं तो जिन स्टूडेंट्स की ऑलरेडी टिकट हो चुकी है वो मेडिकल बाई हैंड साथ लेके जाए। उसका रीज़न है कि इसी मेजरली इसी रीज़न के कारण एंट्री डिनाइल हुई है। सेकेंडली, जो वहाँ के CBS से जो उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी है कैनेडियन, वो जो क्वेश्चंस करती है उसके आंसर्स देने चाहिए स्टूडेंट्स को। उनको पता होना चाहिए कि वो कौन से कोर्स में जा रहे हैं, उनके कोर्स स्टार्ट डेट क्या है, उनके मॉड्यूल्स क्या हैं, उनकी इस कोर्स के रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए कि कॉलेज का कैंपस कौन सा है। और सबसे ज़रूरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अपनी एनरोलमेंट लेटर कॉलेज से साथ लेके जाएं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी हुआ कि उन्होंने टिकट पहले बुक करा ली हुई थी, आजकल मोस्टली नॉन रिफंडेबल टिकट्स ही मिल रही हैं, तो टिकट पहले मत कराएं, पहले कॉलेज से एनरोलमेंट लेटर लें, क्वारंटीन प्रोग्राम लें, और जो 3 डेज का मैंडेटरी स्टॉप ओवर है वो भी पहले बुक करवाएं। अराइव कैन ऐप पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन भरें, क्वारंटीन प्रोग्राम भी भरें, और सबसे इम्पोर्टेंट, कॉलेज कुछ एंटारियो में जो हो रहा है कि कुछ कॉलेजेस का क्वारंटाइन प्रोग्राम ही नहीं मिल रहा, स्टूडेंट्स पहले टिकट करा रहे हैं बाद में वहाँ क्वारंटाइन प्रोग्राम नहीं मिल रहा, क्योंकि कॉलेज का कोई उनका कंपलसरी है कि आपने क्वारंटाइन प्रोग्राम कॉलेज से ही लेना है। तो उस केस में आप पहले अपना सारा करा के क्वारंटाइन प्रोग्राम, उसके बाद ही टिकट वगैरह बुक करवाएं, ताकि आपको किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन फेस ना करनी पड़े। और स्टूडेंट्स एनरोलमेंट लेटर साथ लेके जाएं, एलओए लेटर लेके जाएं, अपनी फी रिसिप्ट लेके जाएं, GIC सर्टिफिकेट लेके जाएं, सारी चीज़ें अपनी बाय हैंड कैरी करके लेके ही जानी है। और प्लस आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना GC की में अपना यूज़र नेम पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, ताकि अगर वो आपको वहाँ पर कोई इंक्वायरी होती है तो आप अपना GC की पोर्टल खोल के दिखा सकते हैं। और अगर आपको किसी कारणवश कॉलेज से एनरोलमेंट लेटर नहीं मिलती, तो आप GC की में दिखा सकते हैं कि आप जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, और आपका जो भी कोर्स है आने वाले टाइम में अगर मई है, और सिर्फ 21 डेज पहले ही ट्रैवल करें जब भी आपकी कोर्स स्टार्ट डेट है। और इन चीज़ों का ध्यान रखो, ताकि आपको वहां जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स की कोई इंक्वायरी, हमें इंस्टा पर DM कर सकते हैं या नीचे दिए नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक्स। Bells Overseas. Visit us or call us for visa services. Follow us on our social handles for latest offers and updates.